YouTube चैनल नीर 143 क्लासेज में स्वागत करता हूं दोस्तों। अगर आप मेरे YouTube चैनल पर नए हैं तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें, जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। दोस्तों इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा हिस्ट्री के 50 मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन जो ज्यादातर एग्जाम्स में आते हैं। तो दोस्तों देखते हैं, किस पुस्तक का 15 भारतीय भाषाओं और 40 विदेशी भाषाओं में अनुवाद किया जा चुका है, पंचतंत्र का। फिर है दोस्तों, सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा, यूनान वासियों ने। क्या दोस्तों? यूनान। सर्वप्रथम भारत को इंडिया किसने कहा, यूनान वासियों ने। पुरापाषाण युग में आदिमानव के मनोरंजन का साधन क्या था, शिकार करना। किस युग को चालकोलिथिक एज कहा जाता है, ताम्रपाषाण युग को। प्राचीन काल में मानव द्वारा किस अनाज का प्रयोग हुआ, चावल का। आधुनिक मानव के हाल का पूर्वज कौन है, क्रोमैग्नन मनुष्य। ठीक है दोस्तों, अगला क्वेश्चन है, विक्रत संवत का शुभारंभ कब हुआ। तो दोस्तों 57 ईस्वी में। ठीक है दोस्तों, विक्रत संवत का शुभारंभ 57 ईस्वी में हुआ। सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत यात्री की, तो दोस्तों फाहयान के ने। दोस्तों सर्वप्रथम किस विदेशी यात्री ने भारत की यात्रा की, ठीक है दोस्तों, तो किसने की, फाहयान ने। तक्षशिला नगर किन नदियों के मध्य स्थित था, सिंधु व झेलम, सिंधु व झेलम। ठीक है दोस्तों, सर्वप्रथम भारत वर्ष का जिक्र किस अभिलेखा में मिला, हाथी गुम्फा अभिलेख में। सर्वप्रथम भारत का जिक्र किस अभिलेखा में मिला, अभिलेख में मिला, हाथी गुम्फा अभिलेख में। ठीक है, चीनी यात्री हेनसांग सर्वप्रथम किस भारतीय राज्य पहुंचा, कपिशा। भारत में शिलालेखों का प्रचलन किसने कराया, अशोक ने। किसने दोस्तों, सम्राट अशोक ने। ठीक है दोस्तों, कादंबरी के लेखक कौन है, बाण भट्ट। सुभाषित वली के लेखक कौन है, मयूर। सुदर्शन झील का पुनरुद्धार किसने कराया, स्कंद गुप्त ने। नाट्य शास्त्र की रचना किसने की, भरत मुनि ने। गुप्त वंश का संस्थापक कौन था, श्रीगुप्त। अभिलेखों का अध्ययन क्या कहलाता है, इपिग्राफी। भरत हूप स्तूप का निर्माण किसने कराया, पुष्यमित्र शुंग ने। भरत हूप स्तूप का निर्माण किसने कराया, पुष्यमित्र शुंग ने। भारतीय इतिहास का कौन सा स्रोत प्राचीन भारत के व्यापारिक मार्गों पर मौन है, मिलिंद पान्हो। सिकंदर का सेनापति कौन था, सिल्यूकस निकेटर। हितोपदेश की रचना किसने की, नारायण पंडित ने। प्राचीन भारत में कौन सी लिपि दाई ओर से बाई ओर लिखी जाती थी, खरोष्टी लिपि, दाई ओर से बाई ओर को। अंकोरवाट कहाँ स्थित है, कंबोडिया में। पुराणों में अशोक को क्या कहा गया, अशोक वर्धन। सिंधु सभ्यता के लोग किस क्षेत्र के निवासी थे, भूमध्य सागरी। अजंता की गुफा किस धर्म से संबंधित है, बौद्ध धर्म से। न्यूमिस्मेटिक्स क्या है, सिक्कों व धातुओं का अध्ययन। नालंदा विश्वविद्यालय किसके लिए प्रसिद्ध था, बौद्ध दर्शन के लिए। नाग नंदा नामक संस्कृत नाटक की रचना किसने की, संस्कृत नाटक की रचना किसने की, हर्षवर्धन ने। मेगास्थनीज ने अपनी पुस्तक इंडिका में किसके शासनकाल का वर्णन किया है, चंद्रगुप्त मौर्य के शासनकाल का। मेगास्थनीज ने वर्णन किया है किस पुस्तक में, इंडिका में। प्रियदर्शिका नामक संस्कृत ग्रंथ की रचना किस शासक ने की, हर्षवर्धन ने। गौतम बुद्ध ने अपने उपदेश सबसे अधिक किस स्थान पर दिए, श्रावस्ती में। स्वप्न वासवदत्ता के लेखक कौन है, भास। ठीक है दोस्तों, फिर है, रेशम बनाने की तकनीक का आविष्कार सर्वप्रथम किस देश में हुआ, चीन में। मंदिर बनाने की कला का जन्म किस काल में हुआ, गुप्त काल में। शून्य की खोज किसने की, आर्यभट्ट ने। भीम बेटका किसके लिए प्रसिद्ध था, गुफाओं के शैलचित्र के लिए।
सिकंदर किसका शिष्य था? अरस्तु का। सिकंदर था जो दोस्तों अरस्तु का शिष्य था। देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ब्रह्मी लिपि, ब्रह्मा लिपि, ब्रह्मी लिपि जिसे कहते हैं, ठीक है। देवनागरी लिपि का प्राचीनतम रूप क्या है? ब्रह्मी लिपि, ठीक है दोस्तों। राम की शक्ति पूजा में निराला की इन दो कविताओं का सार तत्व समाहित है। जागो फिर एक बार और तुलसीदास, जागो फिर एक बार तुलसीदास। संविधान की 8वीं अनुसूची में शामिल की गई 4 नई भाषाएं हैं, संथाली, मैथिली, बोडो, डोगरी। प्राचीन का विलोम है अर्वाचीन। निशा निमंत्रण के रचनाकार हैं हरिवंश राय बच्चन। गागर में सागर भरने का कार्य किस कवि ने किया? बिहारी लाल ने। किसने? बिहारी लाल ने। घनिष्ठ की शुद्ध उत्तरावस्था है घनिष्ठर। रस मीमांसा रस सिद्धांत को संबंधित पुस्तक है। इस पुस्तक के लेखक हैं आचार्य रामचंद्र शुक्ल। फिर इधर तो गाथा या ग्रहा कहने से किस लोक प्रचलित काव्य भाषा का बोध होता है? प्राकृत। तुलसीदास का वह ग्रंथ कौन सा है जिसमें ज्योतिष का वर्णन किया गया? रामाज्ञा प्रश्नावली। भारत भारती काव्य के रचनाकार है मैथिली शरण गुप्त। तो दोस्तों वीडियो अच्छी लगी तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब करिए और बेल आइकन को भी प्रेस कर लें जिससे मेरे अगले वीडियो का नोटिफिकेशन सबसे पहले आपके पास पहुंचे। थैंक यू गाइस फॉर वॉचिंग।